वृंदावन के किशोरपुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा जमकर पथराव किया गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वृंदावन कोतवाली इलाके के किशोरपुरा स्थित गांधीनगर क्षेत्र में जमीनी विवाद में जमकर पथराव हुआ। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों ने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। इस सूचना पर इलाका पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब तक आरोपी भाग जाने में सफल रहे। हम आपको बता दें कि किशोरपुरा गांधीनगर निवासी अनवर खान पुत्र ईदू खान के मकान पर बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। अचानक हुए पथराव से परिवार की महिलाओं में और बच्चों में दहशत फैल गई। वहीं पास पड़ोस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि अनवर का पड़ोस के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है, इसी को लेकर पथराव और फायरिंग की घटना हुई। घटना के समय घर में सिर्फ महिलाएं थीं। घटना की सूचना वसीम नामक युवक ने 100 नंबर पर दी। सूचना पाकर पीआरवी 1914 और इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब तक आरोपी फरार हो गए। हालांकि पीड़ित महिलाएं किसी भी उपद्रवी के नाम नहीं बता पाई। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं ने जानकारी दी। रजनी जी, क्या घटना हुई है? मैं लैटिन में थी, मैं लेकर के जा रही थी। एक कोने पे हमारा वहाँ पे एक आदमी धोख रहा था जी। मैंने वहाँ से आई, मैं निकल के लैटिन में से मैंने एकदम ऊपर को चला, मैंने देखो भाई साहब कोई रोरा फेंक रहा है। वैसे इतनी कह के पाई ना तो फायर कर दिया। एक सोई एक ईट मारी, सोई मैं घर में भगी चली गई, सोई मैं घबरा के घर में गिर पड़ी। फिर मैंने कही बाजी कोई बचा, हमारे तो घर वाले कोई भी है नहीं है घर पे, हम क्या कर सके। सोई जी सबरी हिम्मत हार गई, इन्हें कुंडी लगा लिया। फिर तो वो रोरा मार रहे हैं, दे दना में ईट हल रही है, पूरी लाइट भुग गई है घर की। कहाँ की ये घटना है, कौन सी जगह है? इसी किशोरपुरा की जी, इसी गांधीनगर। कौन थे वो लोग जो ईंट पत्थर फेंक रहे थे, जो गोली चला रहे थे? अभी ये नहीं पता, वाल्मीकि इधर से फेंकी है, पता नहीं है कहाँ से जी। वाल्मीकि है, मगर पुरानी कोई रंजिश, कोई ऐसा कोई पुरानी रंजिश, जमीन का ही रट्टा चल रहा है इसमें। तो कहीं वही लोग तो नहीं है जो पहले पुरानी रंजिश चल रही थी इससे? कोई पता नहीं है, इतनी हमें नहीं पता है। नई रंजिश बनी है या पुरानी? इसको सूचना दी है? दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची है? आई थी सुबह पुलिस जी। और अब जो घटना हुई है, अभी अभी पुलिस आई थी? सोलह नंबर पे फोन किया है, अभी आई थी। आया नहीं कोई भी अभी तक। सोलह नंबर नाम है आपका? चांदनी। कहाँ से हैं आप? किशोरपुरा वृंदावन से। क्या घटना हुई? यहाँ पे ये हम लोग सुबह गए थे ताल लगाने, लेडीज ताल लगा के आई थी वहाँ पे। फिर ऊपर से हमने आ गए, हम फिर देख करने लग गए, ये लोग मीटिंग से जोड़ लेते सब जने, पता नहीं कौन थे। फिर हम लेटन करने हमारी छोटी वाली गई। हाँ जी, तो हमारी छोटी वाली लेटन करने गई और इसने बताया बाजी देखो हद्दे फिक रहे हैं, वो एक फायर हुआ है। तो हम सबरी लेट जाके दुपक गई। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, जब हमारे तो और ज्यादा दो तीन जने तो जमात में गए और है नहीं है घर पे हमारे, और अभी तक काम पे से आए भी नहीं है। दो लोग थे वो जिन्होंने अद्दा फेंके थे, जो ईंट पत्थर बता रहे थे, आप जो गोली चलाए थे, कौन थे वो लोग? ये हमें नहीं मालूम है कौन थे ये लोग। कितने बजे की घटना है ये? कम से कम अभी की घटना है 9 बजे की। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ दी है, मगर फोन करा है हमने, आई है हमारी पुलिस।